गंगा के उफान के बाद भागलपुर नौगछिया के इस्माइलपुर डीमहा के समीप पर रिंग बांध ध्वस्त हो जाने के बाद बाढ़ के दबाव के कारण अब नौगछिया से होकर गुजरने वाली अवध असम एनएच 31 पर खतरा मंडराने लगा है और भवानीपुर के पास एनएच का कटाव करते हुए बाढ़ का पानी एनएच के नीचे से होकर दूसरी ओर तेजी से रिसने लगा। एनएच पर कटाव की जानकारी मिलते ही एनएचआई की टीम मौके पर पहुंची और एनएच को बचाने की कवायद में जुट गई। वहीं एनएच पर हो रहे कटाव को देखते हुए लोग भयभीत दिखे और जिला प्रशासन से भारी वाहनों का परिचालन रोककर एनएच को दुरुस्त किए जाने की मांग करते दिखे। वहीं कटाव की जानकारी मिलते ही नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज मौके पर पहुंचे और पूरी स्थिति का मुआयना किया। इस दौरान एसपी ने कहा कि एनएचआई की टीम रिसाव स्थल को जल्द से जल्द दुरुस्त करने का प्रयास कर रही है और प्रशासन पूरी तरह स्थिति पर नजर बनाए हुए है। लगातार गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं नौगछिया एनएच 31 सड़क पर। यहाँ पर पानी का दबाव इतना बढ़ा एनएच पर कि सड़क जो है एनएच जो है खोखली हो गई। किस तरह से यहाँ पर एनएच खोखली हुई है ये आप देख सकते हैं। आनन फानन में अधिकारियों व कर्मियों द्वारा बोरी डालकर इसको रोक दिया गया है। पूरा जो पानी का बहाव है काफ़ी तेज हो गया था, जिसके बाद ये पानी जो है उस पार बहने लगा था। काफ़ी फ्लो जो था काफ़ी तेज था और एनएच जो है यहाँ पर खोखली हो गई है। लेकिन यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा गाड़ियों पर रोक नहीं लगाई गई है, ट्रक चलाया जा रहा है। अगर इसी तरह हालात रहे तो एनएच यहाँ पर बैठ जाएगा। यहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने ये कटते देखा है उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर कटा हुआ था, कैसे हुआ था यहाँ पर कट। यहाँ सवेरे जब पहले से पानी कुछ बह रहा था, ठीक ना, जब बंद करने आए तो अपने आप सुरंग हो गया। पूरा पानी जो करंट के तरफ से आ रहा था, जब फोन किए सलेश यादव को वो 5 मिनट में आया तुरंत राहत के लिए। बोरी किन के द्वारा गिरा गया? अभी सलेश यादव गिरवाया था। सलेश यादव जी, हाँ जल संसाधन विभाग। ट्रक पर रोक नहीं लगाया गया? कोई ट्रक पर नहीं रोक लगाया। इधर कोई है ना, मतलब पुलिया टाइप का चीज था तो पहले बंद कर दिया गया था, उसी वो कुछ पोखर बन चुका है। तो जो इंजीनियर साहब हैं वो काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, कंट्रोल भी कर लिया है और ट्रैफिक में प्रॉब्लम ना हो उसके अलग पुलिस में लगा दिया ना, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। खड़े हैं इसके अंदर सड़क जो है एनएच खोखली हो चुकी है और स्थानीय प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। देखिए बड़ी गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है, सबसे पहले इस गाड़ियों को रोक कर इसको तोड़ कर पाइप डालकर इसमें भमरा पूर्व से था, भमरा बनाते हुए इस पे मटेरियल डालने का काम करना था। जो स्थिति है अभी प्रॉब्लम है, पानी जब आपको दिख ही रहा है पानी गया तो प्रॉब्लम हो गया एनएच, मतलब एनएच को नीचे से खोखला कर रहा है। हाँ खोखला कर रहा है। क्या कारण? ये इसमें भमरा था, पाइप था, वो पानी का जो इसका लोड आया ना तो निकल गया मिट्टी। क्या एक घंटा के अंदर हम लोग इसको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी पहले वाटर को रोके हुए हैं, वाटर को रोक के उनके बाद होम पाइप है, पानी भी निकले वो ऐसा भी व्यवस्था कर रहे हैं। और तो रोड भी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, यातायात में कोई दिक्कत नहीं हो, इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं, इन लोग के लिए हम लोग कर रहे हैं। देख सकते हैं कि आप किस तरह से भारी वाहनों का परिचालन अभी भी इस रूट से किया जा रहा है, जबकि एनएच पूरी तरह से खोखली हो गई है। इस पार से उस पार का जो है दृश्य नजर आता है, लेकिन यहां पर परिचालन पर रोक नहीं लगाया गया। आधे एनएच पर रोक लगा दिया गया, आधा एनएच पर जो है परिचालन लगातार हो रहा है। इससे पूर्व एनएच 80 पर जो है एनएच 80 ध्वस्त हो गया था, वहाँ पर भी परिचालन पर रोक लगा दिया गया। इसके बाद गंगा के विकराल रूप के बाद यहाँ पर एनएच 31 पर ये हालात बन रहे हैं। अगर परिचालन पर रोक नहीं लगाया गया तो पूरी तरह से आवागमन ठप हो जाएगा और नौगछिया कटिहार का जो संपर्क है वो पूरी तरीके से भंग हो जाएगा। भागलपुर के कोतवाली चौक के समीप इमामबाड़ा से फूल और चौकी निकालने को लेकर देर रात पैकर और पुलिस में झड़प हो गई। बड़ी संख्या में जमा होकर पैकर फूल और चौकी निकालने पर अड़े थे और प्रशासन कोविड गाइडलाइन का पालन कराने को लेकर, जिसके बाद पुलिस और पैकर के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। उसके बाद पैकर वहां से हटे और कुछ देर बाद अधिक संख्या में दोबारा पैकर कोतवाली थाना के पास जमा होने लगे। पैकरों के द्वारा हंगामा किए जाने की सूचना मिलते ही सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और पैकरों को समझाया बुझाया, जिसके बाद कम संख्या में पैकर फूल और चौकी लेकर सराय गए। बरसों पुरानी परंपरा रही है कि सराय इमामबाड़े में फूल और चौकी का मिलान किया जाता है, जिसको लेकर कोतवाली चौक स्थित इमामबाड़ा चौकी लाया जाता है।
पूरे मामले को लेकर अधिकारियों ने बताया कि पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि हूटर की आवाज सुनकर पैकर एकाएक भागने लगे। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर से विधायक अजीत शर्मा ने जातीय जनगणना मुद्दे पर प्रधानमंत्री के द्वारा बिहार के सभी दलों के नेता से 23 अगस्त को मिलने और समय दिए जाने पर नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री से जातीय जनगणना कराते हुए वर्गवार सभी नौकरियों को आरक्षित कर उसमें 25% क्रीमी लेयर और 50% नॉन क्रीमी लेयर आरक्षण के सिद्धांत की घोषणा करने की मांग की है। बिहार के सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि ने जातीय जनगणना पे आप आदरणीय प्रधानमंत्री से समय मांगा था, आपने मिलने का समय 23/8/2021 को दिया है। हम लोग सभी दिल की गहराई से आपका आभार प्रकट करते हैं और आपसे आग्रह है कि मिलने के समय तो मैं कुछ बोलूँगा ही, लेकिन एक आग्रह करूँगा कि जाति जनगणना कराते हुए वर्गवार सभी नौकरियों को आरक्षित कर उसका 25% क्रीमी लेयर और 50% नॉन क्रीमी लेयर के आरक्षण का सिद्धांत लागू करने की कृपा की जाए। केंद्रीय वन व जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने भागलपुर में प्रेस वार्ता में कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। केंद्रीय वन व जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार इको टूरिज्म का हब बनेगा, इसके लिए सबसे अधिक संभावनाएं भागलपुर में हैं। यहां टूरिस्ट सर्किट बनेगा, इसमें गंगा किनारे 3 माह रिसोर्ट व इको टेंट में पर्यटकों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। लोग सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा डॉल्फिन व नौगछिया के कदवा देरा में गरुड़ के प्रजनन स्थल को देख पाएंगे। जगतपुर के झील में विदेशी पक्षियों के प्रजनन स्थल को और विकसित किया जाएगा। कटिहार के गोगा झील, बेगूसराय के कांवर झील और झारखंड के साहेबगंज के राजमहल के फॉसिल्स वाले इलाके को भी टूरिस्ट सर्किल में शामिल किया जाएगा। पटना वाले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का एक मिनी ब्रांच भागलपुर में भी खोला जाएगा। उन्होंने बताया कि विश्व में 3000 डॉल्फिन हैं, जिसमें 200 डॉल्फिन भागलपुर में हैं। नौगछिया के मदरौनी पंचायत में पिछले 10 दिनों से बाढ़ का पानी काफी तेजी में बढ़ गया है, जिससे वहां रहने वाले लोगों को अत्यंत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे वहां के लोगों का कहना है बाढ़ का पानी लगभग 30 दिनों से उनके गांव में आ गया है। यह आपको बता दें कि मदरौनी पंचायत के गांव में कोसी का पानी बढ़ने के कारण हर साल गांव डूब जाता है, लेकिन इस बार कुछ स्थिति ज्यादा ही खराब है। मदरौनी पंचायत के ही रहने वाले ग्रामीण झुमकू ने अपने गीत के माध्यम से अपने पंचायत के दुख को बयां किया है। नौगछिया के मदरौनी में कोसी का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। यहाँ हर वर्ष कोसी का जलस्तर पूरे गांव को अपने आगोश में समा लेता है। और हमारे साथ एक चाचा जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। किस तरह से आपके गांव को कोसी पूरे आगोश में समा लेती है और सरकारी व्यवस्था क्या रहती है, क्या कहेंगे आप? ये घर का ड्राम है, इस पे इसको नाव बनाया हूँ और इससे आना जाना जहाँ 10 मिनट का काम हुआ 1 घंटा लगता है आने जाने में। तो ये क्या बताएंगे, मैं आपको गीत के माध्यम से ही बता दे रहा हूँ कि क्या हाल चाल है। अरे डूबई रही आई, भसई रही आई, जाई रही जान। डूबई रही आई, भसई रही आई, जाई रही जान। आ कोसका माई के खेल देखा, कोसका माई के खेल देखो, खुश नहीं छे भगवान। बोलो भैया राम राम, राम राम हो भाई। दहा गेले सधुआ मदरौनी गाँव जे, राम राम हो भाई। दहा गेले सधुआ मदरौनी गाँव जे। आरो की होले भैया, हजार हजार बीघा मकई दहैले और दहैले धान। हजार हजार बीघा मकई दहैले
और दहले धान। जनता सब जे भूखे मरल, जनता सब जे भूखे मरल, देखो हो भगवान, बोलो भैया राम राम, राम राम हो भाई। दहाई गेल सदुआ मदरौनी गाँव जे। यह सब छ भैया, आरो की कहब। सरकार से क्या मांग करते हैं? आपके गाने में जो है दर्द है, मदरौनी गांव को लेकर दर्द है, जिस तरह से कोसी पूरा आक्रोशित है उसको लेकर दर्द है, लेकिन सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग यही है कि आप देख रहे हैं हम लोग कैसे रह रहे हैं, कोई बांध पे है, कोई छत पे है, पन्नी मिलता है, एक एक पन्नी मिलता है, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, जो भी चूरा शक्कर दिया जाता है वो भी नहीं है, और चूरा शक्कर से होने वाला भी क्या है, एक दिन आप चूरा शक्कर देंगे तो उससे जनता का भूख नहीं मर जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये है कि सरकार से यही निवेदन है कि पहले बांध बनावे ताकि ये पानी ना आवे, पानी आने से काफ़ी तकलीफ है। क्या नाम हुआ? संजीव कुमार सिंह उर्फ झुनकू सिंह। संजीव जी ने जिस तरह से गीत के माध्यम से अपना दर्द बयां किया है उसे आपने सुना। अश्विनी कुमार, बिग न्यूज़, भागलपुर। भागलपुर जिले में बाढ़ के भीषण प्रकोप के बाद कई जगह पर बिहार सरकार के आदेश के बाद जिला प्रशासन के द्वारा राहत शिविर लगाया गया है, साथ ही सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है। लेकिन कई जगह सामुदायिक किचन से ऐसी खबरें आ रही है कि वहां कम भोजन उपलब्ध हो रहा है, जिस कारण लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है, साथ ही भोजन बनने के बाद लोग भोजन के लिए छीना झपटी भी कर रहे हैं। ऐसा एक मामला कहलगांव प्रखंड के ग्राम पंचायत घोगा के वार्ड नंबर 2 में देखने को मिला, जहां भोजन बनने के बाद लोग भोजन की लूट करते दिखे। यह पूरा मामला इमादपुर बाढ़ राहत शिविर का है। सबौर उच्च विद्यालय स्थित बाढ़ पीड़ितों के राहत शिविर में लोगों के लिए समुचित पेयजल की व्यवस्था और शौचालय की सही व्यवस्था नहीं होने से वहाँ रह रहे लोग जिला प्रशासन को कोसते नजर आ रहे हैं। राहत शिविर में रह रहे लोगों का कहना है कि 2 टाइम का खाना तो धक्का मार कर मिल जाता है, लेकिन ना पीने के लिए शुद्ध पेयजल है और ना ही पशुओं को खिलाने के लिए चारा मिल रहा है। विद्यालय प्रांगण में जो चापाकल लगा है उसमें लाल पानी निकल रहा है, जो कि पीने के लिए सही नहीं है। राहत शिविर में जिला प्रशासन के द्वारा बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं, जिसमें लिखा गया है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, लेकिन यहां आने से पता चलता है कि 2 गज की दूरी और मास्क नहीं है जरूरी। जब राहत शिविर में दोपहर का खाना बांटा जा रहा था तो एक छोटे बरामदे पर लगभग 100 से ज़्यादा लोगों के लिए भोजन परोसा जा रहा था। न तो भोजन परोसने वाले मास्क पहने थे और न ही वहाँ रह रहे बाढ़ पीड़ित। पानी उन्हीं का व्यवस्था, पानी का देखते हैं लाल वाला पानी चल रहा है। खाना मिल रहा है? खाना वही 2 बजे एक टाइम मिल रहा है। मवेशी के लिए खाना? मवेशी के लिए एक दिन मिला था और उसके बाद तो नहीं, 2 दर्जा। जगदीशपुर प्रखंड के अंतर्गत हजडिया भागलपुर राजमार्ग पर जगदीशपुर बाजार में भाजपा जगदीशपुर मंडल अध्यक्ष नरेंद्र कुमार झा के नेतृत्व में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं आपूर्ति, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे को अंग वस्त्र व फूल माला से भव्य स्वागत किया गया। उनके साथ चल रहे कहलगांव के विधायक पवन यादव को भी माला पहनाकर स्वागत किया गया। आपको बताते चले कि भागलपुर जिला मुख्यालय पहुंचने का सारा संपर्क अभी भंग है, ऐसे में भागलपुर दुमका राजमार्ग ही अभी सुरक्षित बचा हुआ है। बिहार में प्रलयंकारी बाढ़ पर मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि बाढ़ पीड़ित को देखकर वे क्षति का आकलन करेंगे। जगदीशपुर के बाद बजानी चौक पर भी मंत्री अश्विनी चौबे का उत्साहित कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मौके पर भाजपा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर एसडीओ आशीष नारायण ने गुरुवार को सुल्तानगंज प्रखंड में बाढ़ पीड़ितों के लिए चल रहे सामुदायिक किचन का निरीक्षण किया। इस दौरान कमरगंज गनगनिया फतेहपुर के पास बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हाल चाल जाना। कई बाढ़ पीड़ितों ने अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि बाढ़ के कारण खाने पीने के साथ साथ शौच जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सदर एसडीओ आशीष नारायण ने अंचलाधिकारी शंभूशरण राय व बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू को निर्देश देते हुए कहा कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में सामुदायिक किचन की व्यवस्था दुरुस्त करें, जिससे किसी भी बाढ़ पीड़ित परिवारों को खाने पीने में कोई परेशानी ना हो, साथ ही बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद दिया जाए।
गंगा का जलस्तर बढ़ जाने के कारण पूरे भागलपुर जिले में बाढ़ की विभीषिका देखी जा रही है। जिले के सैकड़ों गांव जलमग्न है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में SDRF के द्वारा किए जा रहे कार्य का जायजा लेने और SDRF जवानों का मुराल बूस्ट अप करने SDRF के डिप्टी कमांडेंट SS यादव भागलपुर पहुंचे और SDRF भागलपुर के कंपनी कमांडर गणेश जी ओझा के साथ आपदा प्रभारी भागलपुर और ADM भागलपुर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर चर्चा किए। साथ ही SDRF टीम की प्रतिनियुक्ति के बारे में भी चर्चा की। डिप्टी कमांडेंट SDRF बिहार ने अपने SDRF जवानों का मुराल अप करने और कर्तव्य का पाठ पढ़ाने के लिए वोट से भागलपुर के कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के बाद नौगछिया के लिए रवाना हो गए। अभी यहाँ पे जो नौगछिया में बांध टूटा था उसके सिलसिले में यहाँ पे मैं डिप्टी कमांडेंट SS यादव SDRF बिहार, वहाँ से हमारी चार टीमें यहाँ पे कार्यरत हैं, एक पूर्णिया से, एक मधेपुरा से, एक सहरसा से, भागलपुर की टीम यहाँ पे है। तो उसके कोऑर्डिनेशन के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर और बोट का उपयोग किया जा सके उसके लिए मैं यहाँ पे आया हुआ था। तो कल पूरे दिन हम लोगों ने बंध का जितना था हमने करीब 20 बोट लगाया हुआ था वहाँ पे, जो नौगछिया का बांध टूटा हुआ है जमींदारी बांध के आगे रिंग बंध पे। और आज यहाँ भागलपुर टीम का दौरा किया गया, तो दौरे के दौरान ही यहाँ उपस्थित जवानों उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और उनकी कोई समस्या वगैरह कोई उनको परेशानी है उसके लिए पुलिस मीटिंग लिया गया। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने पुलिस मीटिंग लिया है के बाद से अभी बोट में बैठ के थोड़ा सा इनके इलाके का थोड़ा देख लेते जायजा ले लेते। बाढ़ की विभीषिका झेल रहे बाढ़ पीड़ितों ने जिला प्रशासन के द्वारा अब तक कोई भी राहत सामग्री नहीं दिए जाने से आक्रोशित होकर भाकपा माले के बैनर तले भागलपुर सनहौला प्रखंड सह अंचल कार्यालय का घेराव और प्रदर्शन किया। इससे पूर्व भगत सिंह चौक सनहौला से थाना चौक होते हुए प्रखंड कार्यालय तक जुलूस निकाल कर अपनी मांगों के समर्थन में जिला पदाधिकारी के नाम अंचलाधिकारी को मांग पत्र भी सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भाकपा युवा नेता संजीत सुमन ने जिला प्रशासन और सरकार से अविलंब बाढ़ पीड़ितों को सभी सुविधाएं मुहैया कराने की मांग की। साथ ही कहा कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तो वे सभी उग्र आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में भाकपा माले के कार्यकर्ता और बाढ़ पीड़ित शामिल हुए। गुरुवार को शहर के स्थानीय होटल में यूको बैंक के द्वारा शाखा समीक्षा बैठक और ग्राहक मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान यूको बैंक के प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक निधु सक्सेना की अध्यक्षता में अंचल कार्यालय के कर्मचारी, शाखा प्रबंधक सहित कई ग्राहक मौजूद रहे। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक निधु सक्सेना ने ऋण को उपलब्ध कराने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही ग्राहकों को व्यवसाय प्रबंधन और वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में यूको बैंक की विशेष भूमिका को बताया गया। कार्यक्रम में अंचल के प्रमुख अधिकारी अपूर्व कर्ण सहित अंचल कार्यालय और कई शाखा के अधिकारी मौजूद थे। हरियाली तीज का पर्व महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। शादीशुदा महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। हरियाली तीज मुख्य रूप से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में मनाई जाती है। बताते चलें कि हरियाली तीज का त्यौहार हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है। सावन मास में पड़ने के कारण इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। हरियाली तीज काफी धूमधाम से अखिल भारतीय मरवाड़ी सम्मेलन की भागलपुर शाखा ने मनाया। पौराणिक मान्यता है कि यह दिन महादेव और माता पार्वती को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन महादेव ने माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें विवाह के लिए हाँ कहा था, इसलिए इस दिन को भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन का दिन भी माना जाता है। सुहागिन महिलाओं और कन्याओं के लिए इसे काफी शुभ माना जाता है। कार्यक्रम में भागलपुर शाखा के अध्यक्ष ज्योति खेतान, प्रांतीय पर्यावरण प्रमुख सुनीता सहाय के अलावे कई महिलाएं अपने सुहाग की सलामती के लिए यह पर्व मनाते दिखी। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन अध्यक्ष ज्योति खेतान, ये हम लोगों का तीज का त्यौहार हर सावन में हर साल मनाया जाता है। अभी COVID-19 को लेके थोड़ा सा क्या हम लोग क्या सतर्क हो रखे हैं कि थोड़ा सा इसको सब ध्यान दे के करके सब चीज़ें हम लोग सब मास्क लगा के करके इस पर। और ये हरियाली तीज है जो सभी महिलाएं रंग बिरंग की पोशाक पहन के अच्छे से, राधा कृष्ण का हमारा थीम है, सुहाग के लिए करते हैं हम लोग। जैसे
राजस्थानी मारवाड़ी लोग है ना हाथों में मेहंदी लगाते हैं एक दिन पहले, और उसके बाद दूसरे दिन हम लोग तीज वाले दिन बाना निकाल के अपनी सास को देते हैं और खूब आनंद से हम लोग। उद्देश्य क्या रहता है? सुहाग का ही होता पति के लिए, शिव पार्वती की हम पूजा करते हैं और हम लोग खूब उत्सव मनाते धूमधाम से। जैसे शादी होती हम लोग के यहाँ तो बेटियाँ पहली बार सावन में अपने घर आती हैं, तो उनको हम लोग पूरा सावन रखते हैं, सिंधारा करते हैं, झूला झूलते हैं, उसके बाद है ना तरह तरह के पकवान है इस तरह। जैसे पिछले साल हम लोगों ने नहीं किया था तो हम लोगों ने ऑनलाइन पूरे ऑल ओवर इंडिया का हम लोग का प्रोग्राम हुआ था।